Assalamualaikum, welcome to Play On है. मैं आपका शेफ इरफान वास्ती. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे. अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी बेकिंग की और मिठाइयों की. तो अब हमने सोचा कि बाकायदा बेकिंग और मिठाइयों को अपना मेन्यू का जो पार्ट बना दें. तो आज हम बना रहे हैं कुछ मिठाइयाँ और इंशाल्लाह कल बनाएंगे कुछ बेकिंग से रिलेट करती हुई चीज़ें. तो बाकायदा हमने अपने मेन्यू में ऐड ऑन कर दिया है कि हम मिठाइयों को और बेकिंग में केक्स हो सकते हैं, ब्रेड्स बंस हो सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह सबको आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे. जैसे कि आप लोगों को पता है सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी हवा भी चल गई है कराची में, लेकिन थोड़ा सा जो है ना मामला ऊपर नीचे चल रहे होते हैं. कभी दिन में गर्मी हो जाती है, कभी रात में गर्मी होती है, कभी दिन में हवा चलती है ठंड हो जाती है, रात में ठंड हो जाती है. तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो मामला है ना वो बेहतर हो गया है, थोड़ी सी ठंड आ गई है कराची में क्योंकि दिसंबर का भी मिड हो गया है. अच्छा, हमारे जहन में सवाल आता है कि बहुत सारी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल सब्ज़ियाँ होती हैं, क्यों, मकसद क्या है उनका? अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बनाई हैं उनका क्या मकसद है कि हर सीज़न की अलग सब्ज़ियाँ होती हैं? ख़ास तौर पर अगर मैं आपको सर्दियों का बताऊँ, सर्दियाँ जब आती हैं तो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, गला ख़राब, डस्टिंग, बहुत सारे जो इशू शुरू हो जाते हैं. तो जितने भी हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं सर्दियों के, ऑरेंजेस आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आती हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. तो सीज़न की सब्ज़ियों का और फलों का इस्तेमाल करें. अगर आप सीज़न की फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो सीज़नल जो बीमारियाँ होती हैं आप उनसे बचे रहेंगे, बड़े काम की बात है. तो लोग कहते हैं कि ऑरेंज खाएँगे तो गला ना ख़राब हो जाए, मौसम्बी खानी चाहिए या ग्रेपफ्रूट नहीं खाएंगे. तो ये सारी चीज़ें आप खाएं, सीज़न की हर चीज़ आपको खानी चाहिए. खाएंगे तो आपको जो मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या और दूसरी बीमारी होती हैं सब बचे रहेंगे. अच्छा जी, यहाँ पे आज हम बनाएंगे बालू शाही. बालू शाही के अलावा हम बनाएंगे खाजा, मलाई खाजा भी कह सकते हैं, खाजा भी कह सकते हैं. कुछ लोग इसके अंदर मेवे डालते हैं, खोया डालते हैं, कुछ लोग रबड़ी भी डालते हैं. तो आज हम बनाएंगे खोए के साथ और शक्कर पारे बनाएंगे बड़े मज़े के, स्वीट से छोटे छोटे शक्कर पारे. ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी मिठाइयाँ हैं. और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा सेंसिटिव भी है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज, कि जितने इंग्रेडिएंट्स हम खा रहे होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं सॉसेज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों के स्नैक्स हैं, टॉफ़ी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो जो चीज़ें हैं जिससे बनी हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हलाल हैं या नहीं है? तो अब हमें पता कैसे चले कि हलाल कौन सी चीज़ें और हराम इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप सिर्फ देख के समझ जाएंगे कि हराम है. ये कैटेगरी होती है ई नंबर्स की, जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी ने इसको डिज़ाइन किया है सारे, और इन्होंने सारी चीज़ों को कुछ नंबर्स दे दिए जो ई नंबर्स कहलाते हैं. इसके अंदर आपके फूड कलर्स भी हो सकते हैं, आपके एसेंस भी हो सकते हैं, आपके मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस भी हो सकते हैं. तो जिनको ई नंबर्स का नाम दिया गया है बहुत सारे हलाल भी हैं इसमें, लेकिन कुछ ख़ास तौर पे हराम होते हैं. वो कौन कौन से हैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा मैं पूरे नंबरिंग के साथ कि कौन कौन से हैं. आपने जब भी कोई चीज़ किसी भी शेल्फ से उठानी है, बच्चों के स्नैक्स उठाने हैं, कोई सीरप्स उठाने हैं, इसके अलावा कोई सॉसेज उठानी है, कोई भी रेडीमेड आपने प्रोडक्ट, बिस्किट्स और क्रीम से बनी हुई चीज़ें, फैट से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप जब उठाएंगे आपने इंग्रेडिएंट्स को लाजमी पढ़ना है कि ई नंबर्स जो इसके अंदर नहीं है. बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें खा चुके हैं, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, हम अवेयर नहीं होंगे, तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे. सही, तो काम भी करते जाएंगे और इसके साथ साथ जो ई नंबर्स हैं वो भी आपको बताता जाऊँगा प्रॉपर स्लाइड पर. हम अपनी जो फेसबुक पेज है उस पर भी शेयर करेंगे और ये सारे नंबर्स आपने नोट डाउन करने अच्छे तरीके से और इनको याद रखना है जब भी कोई परचेजिंग करें आप लोग. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है बालू शाही. अच्छा, बेकिंग में और मिठाइयों में अंदाज़ा नहीं चलता है, इसके अंदर सारी चीज़ें हमको नाप तोल के बनानी पड़ती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास वेइंग स्केल भी है छोटा सा, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पूंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. लास्ट वीक हमने बताया था मेजरिंग कप्स और स्पूंस में अगर ग्रामीज में जाए तो कितने ग्राम आते हैं. तो आई होप कि आप लोगों ने थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस की होगी उसकी, और कप्स के अंदर स्पून में कितने ग्राम जाते हैं उसका आपको आइडिया भी हुआ होगा. नहीं तो आप ने ये वाला काम करना है, विंग स्केल लेना है छोटा सा और मिठाइयों बेकिंग जब भी करनी है उसके साथ करनी है. अच्छा जी, बालू शाही बना रहे हैं, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बड़े कम हैं इसके, लेकिन नाप तोल का पूरा ख्याल रखना है. इसमें मैदा इस्तेमाल करेंगे हम 1 पाव, घी 75 ग्राम, पानी 50 ग्राम, तकरीबन 3-3 ग्राम बेकिंग पाउडर और सोडा जाएगा, दही जाएगा 20 ग्राम और फ्यू ड्रॉप जाएंगे येलो फूड कलर के. अच्छा जी, सबसे पहले हमने करना क्या है, घी जो है घी को हमने थोड़ा सा
गरम करना है, यानी कि मेल्ट कर देना है। इतना गरम हो कि बस वो थोड़ा मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे वज़न करेंगे 75 ग्राम। हमें चाहिए घी, पचहत्तर ग्राम वजन करके हमने इसको मेल्ट कर लेना है। अच्छा, मिठाइयाँ जो है ना, थोड़ा सा प्रोसेस भी इनका लेंदी होता है और थोड़ी टेक्निकल भी होती हैं, इसीलिए लोग बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं, घर में नहीं बनाते। लेकिन क्या पॉइंट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है आपने, जिनका ख्याल करेंगे तो आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो कि बाज़ार की मिठाइयों का होता है। ये गया घी, और इसको हल्का सा करेंगे हम गरम, कि सिर्फ ये मेल्ट हो जाए। जब तक जो है हमारे पास यहाँ पे, हमको चाहिए मैदा, मैदे का वजन कर लेते हैं। अच्छा, इसका बालूशाही और शकरपारा, इसका डो तकरीबन एक जैसा ही होता है, मामूली सा फ़र्क होता है, वो आपको बताऊंगा मैं क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जो है मैदा हमारे पास 1 पाव ले लेंगे, ये लेंगे 1 पाव हो गया मैदा। अच्छा जी, अब चाहिए हमको 50 ग्राम पानी, लिक्विड है, ml में लेना चाहिए, लेकिन हम इसको ग्रामेज में ही लेंगे क्योंकि हम सारी चीज़ें ग्राम में ले रहे हैं। ये हो गया पानी 50 ग्राम, इसको डाल दिया हमने इसके अंदर। घी हमारा जो है मेल्ट हो गया है, घी का चूल्हा कर देते हैं बंद, बहुत गर्म नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है इसको। देखें बिल्कुल मेल्ट हो गया। अच्छा जी, अब पानी के साथ इसी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 3 ग्राम बेकिंग पाउडर और 3 ग्राम ही सोडा, और 40 ग्राम इसके अंदर जाएगा दही। बीस ग्राम दही जाएगा, ठीक। दही जो है ना, इसके टेक्सचर को थोड़ा सा कैजुअल करेगा, जैसे जिसको क्या बोलते हैं, खस्ता करने के लिए, इसको खस्ता करेगा। बेकिंग पाउडर, सोडा, पानी, और इसमें गया घी, ठीक है जी। अब इसको जो है हमने अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करना है। इसको मिक्स करना है ऐसा है कि दही का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर डाल देंगे हम मैदा। अच्छा, यहाँ पे जो अब इसकी जो टेक्निक की बात हो रही है हमारी, अब इसको हमने दही को और इसको सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो मैदा डाला है, इसको हमने इस तरीके से मिक्स करना है। इसको हमने मुक्कियाँ नहीं मारनी है ज़्यादा, और जो है इसको हमने ज़्यादा बिल्कुल डो की तरह नहीं बनाना है, बस ये मिक्स हो जाए हल्के से, अच्छा सा मिक्स हो जाए, और इसको थोड़ा सा टाइट रखना है हमने, ठीक है। टेक्सचर थोड़ा दिखा दूँ, ब्रेक का टाइम हो गया, चलें थोड़ा सा मैं इसको हाथ से गूंथता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको टेक्सचर बताऊँगा कैसा होना चाहिए। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने
बालू शाही का जो डो है वो गूंदना शुरू किया था। इसके अंदर हमने पानी लिया था, पानी में गर्म घी डाला था, मेल्टेड सोडा डाला था, बेकिंग पाउडर दही डाला था। अब हल्का सा इसके अंदर लगाएंगे येलो कलर और इसको अब अच्छे तरीके से हमने हाथ की मदद से इस तरीके से हमने इसको बहुत ज़्यादा जैसे हम डो बनाते हैं ब्रेड वगैरह के लिए उस तरीके से हमने इसको नहीं गूंदना है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको हल्की हल्की मुक्कियाँ लगा लें, देखिए इस तरीके का इसका टेक्सचर रहेगा फटाफटा। बस ये कलर जो है अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, फिर इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए और फिर उसके बाद शेप देके इसको बालूशाही की फ्राई करेंगे। अच्छा, इसकी जो फ्राइंग है ना वो बड़ी टेक्निकल है, बिल्कुल ठंडे घी के अंदर, तकरीबन ठंडे घी के अंदर हल्के ताव पे ये तकरीबन 20 से 22 मिनट इसका जो है फ्राइंग का टाइम है। अगर नॉर्मली और प्रोडक्ट हम 20 से 22 मिनट अगर हम फ्राई करें तो बिल्कुल काली हो जाती है जल के, लेकिन इसको जो है हमने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर फ्राई करना है। ये देखें, बस ये अच्छे से जो कलर पूरे आटे में मिल जाए इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, फिर उसके बाद इसकी जो है हमने शेप दे लेनी है। ये देखें, ये इसका टेक्सचर आना चाहिए इस तरीके से, जबकि नॉर्मल डो बनाते हैं हम उसको स्मूथ कर देते हैं, उसको हम अगर खींचते हैं तो बिल्कुल स्मूथ होता जाएगा, लेकिन इसके अंदर हमें ये टेक्सचर चाहिए फटाफटा। जी ये आटा हमारा तैयार हो गया, इसको थोड़ा जो है क्लिंग रैप लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट। जब तक इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ लें, यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे ई नंबर्स को। अच्छा जी, इलियास साहब हैं गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक भाई, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज हल्की आ रही है। बहुत भाई ठीक जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पसंद करने का। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? क्या फरमाइश करना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? आपने कॉल तो कर लिया लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं कुछ ज्यादा। जी 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 बताइए। चलें, थैंक यू कॉल करने का, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे कुछ हमारे पास ई नंबर्स हैं जो बड़े कॉमन हैं, जो अक्सर हमें नज़र आ रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट के अंदर। इनको आपने अच्छे से जो है याद कर लेना है, लिख लेना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएं, मार्केट से करें, कोई सॉस खरीदें, कोई बच्चों के स्नैक्स खरीदें और इवन के कोई कॉस्मेटिक की भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके अंदर भी ये सारे नंबर जो हैं आपको मिल सकते हैं। E120 ये ख़ास तौर पर रेड कलर है, फूड कलर, और ये जो बनता है ये बनता है फीमेल इंसेक्ट से, किसी कीड़े से ये बनता है, क्योंकि कीड़ा जो है जाहिर सी बात है हराम है, तो उससे रिलेट करती हुई कोई सी भी चीज़ हम खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह E441 जेलेटिन, ये पिक की बोन से बनता है। इसके बाद है E542, ये भी एनिमल बोन से बनता है और ये मोस्टली पिक्स की बोन से ही बनता है। इसके बाद है E904, ये भी एक इंसेक्ट से बनता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके साथ बनता है। अच्छा, जो ये तो कंफर्म है कि ये जो नंबर आपको नज़र आएंगे हराम है, ई नंबर ये वाले टोटली हराम है। अब इसके नीचे जो यहाँ पे नंबर हैं ये थोड़े कॉमन होते हैं, ये एनिमल
प्रोडक्ट से भी बनते हैं और ये जो है वेजिटेरियन भी होते हैं, प्लांट से भी बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फॉर द सेफ साइड हमने क्या करना है कि इन नंबर्स को भी जिसके अंदर E422 है, E470 है, ये पूरी रेंज है, E470 से लेकर E483 तक, ये एमल्सीफाइल हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रिजर्वेटिव्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं, और इसके साथ साथ है E542, इनके अंदर दोनों किस्म के वेरिएंट होते हैं। लेकिन जब हमें नहीं पता, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते और हमें पता नहीं चल सकता है कि ये हलाल है या हराम है, तो हम इनको हराम ही कंसिडर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे फेसबुक शेयर पेज पे भी हमने शेयर करने हैं ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं। जब तक अवेयर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि अगर हमें ये नॉलेज है कि ये नंबर्स हराम हैं और ये इसके खाने से जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब तो ये हम आपके साथ शेयर करें कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये नंबर्स आपने बड़ा केयरफुल होकर देखना है। अगर ऐसा नंबर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट पे तो आपने उसको कतई नहीं लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास घी गरम कर लेंगे। मिठाइयाँ जितनी भी फ्राई होती हैं वो घी के अंदर फ्राई होती हैं। उसकी वजह ये है कि घी में जितनी मिठाइयाँ बनती हैं, जो भी चीज़ आप फ्राई करते हैं वो खस्ता आती है, चाहे मिठाइयों की बात करें या आप नमकीन समोसों की बात करें, मांडे वाले या मल्ली वाले, घी में फ्राई करेंगे, पराठों की बात करें या घी में फ्राई करेंगे, बड़े खस्ता से आते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम जो भी कुछ बना रहे हैं उसमें हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि बालूशाही के जो घी है वो बिल्कुल हल्के ताव के ऊपर, बिल्कुल स्लो हमने इसको फ्राई करना है, और 20 से 22 मिनट का इसका टाइम है फ्राइंग का। तो मेरे ख्याल से इसको रखते हैं छोटे चूल्हे पे, इसका फ्लेम भी कम होगा और इसको हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा तो ये भी हो सकता है कि आपका ऑयल का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो आपको चूल्हा बंद करना पड़े, और बंद चूल्हे के ऊपर आपकी फ्राइंग होती रहेगी। थोड़ी थोड़ी दफ़ा चूल्हा बंद करेंगे फिर दोबारा इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर बालूशाही का डो हमारा तैयार था, इसको थोड़ी सी हम शेप देंगे। अब आपको बताएंगे शेप इसको कैसे देनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट डो बना हुआ है। एक प्लेट ले लेते हैं। साइज आपके मर्जी के हिसाब से आपने क्या साइज रखना है, आपने गोल की इसको इस तरीके से किया और ये अंगूठे की मदद से आपने इसको इस तरीके से सुराख कर लेना है। साइज अपने हिसाब से छोटा रखें बड़ा रखें, मैं थोड़ा सा इसका साइज बनाऊंगा 1 बाइट का। ये देखिए ये 2 साइजेज हैं, इसके हिसाब से आप ये अपने हिसाब से बना लें। ब्रेक का टाइम भी हो गया, ब्रेक में मैं ये बालूशाही बनाता हूँ, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। बालूशाही अच्छा, मैदा 250 ग्राम, घी 75 ग्राम, पानी 50 ग्राम, सोडा 3 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, दही 20 ग्राम, खाने का रंग चंद पत्रे, शीरे के लिए चीनी 500 ग्राम, पानी 150 ग्राम। तरकीब, मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर डो गूंदे या 15 मिनट के लिए फूलने छोड़ दें। अब इसे बालूशाही की शक्ल देकर 12 से 15 मिनट फ्राई करें। उसके बाद तैयार शीरे में 2 से 3 मिनट के लिए डबो कर निकालें और सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे हमने बना ली है बालूशाही, सही से शेप दे ली है। घी चेक कर लेते हैं, घी अभी इसका थोड़ा सा ठंडा है, तो जब तक घी भी सेट हो रहा है साथ साथ फ्राइंग भी चलती रहेगी, तो तैयारी करते हैं मलाई खाजे की।
मलाई खाजे के लिए सबसे पहले तो जनाब हमको चाहिए यहाँ पे मैदा। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म का बनाया जाता है, कोई खाजा भी कहता है, कोई मलाई खाजा कहता है। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से इसकी स्टफिंग भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग खोया डालते हैं, कुछ रबड़ी डालते हैं, कुछ जो है मावा बना लेते हैं, पिस्ता बादाम वगैरह डाल के सूजी के साथ हलवा बना के वो इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आज हम बना रहे हैं खोए के साथ। अच्छा जी, पानी इसमें चाहिए हमें 200 ग्राम पानी। पानी हो गया थोड़ा सा ज्यादा, इसको निकाल लेते हैं। ये 200 ग्राम हो गया पानी। अब इसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल या 20 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर रेसिपी में मेरे ख्याल से नमक लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा एक चुटकी जो है ना इसमें नमक शामिल करेंगे थोड़ा सा खस्ता करने के लिए इसको। अच्छा जी, ये देखें अभी बिल्कुल इसमें छोटे उड़े से ना बुलबुले उठने लगे हैं, इसका मतलब है कि ये ऑयल इसका जो है तैयार है। अब इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे सारी बालूशाहियाँ डाल देनी है। तकरीबन देखने में आपको ठंडा ही लगेगा कि बिल्कुल ठंडा है। बीस से 22 मिनट का टाइम आराम से इसका है फ्राइंग का। अच्छा, अब यहाँ पे पानी के अंदर ऑयल गया। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर नमक, तकरीबन 1 से 2 चुटकी, और इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर तकरीबन 5 ग्राम। बेकिंग पाउडर इसमें गया, तेल हो गया बेकिंग पाउडर, पानी, अब जाएगा इसमें मैदा। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे से। कॉलर है हमारे साथ हिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, कह रहे थे हैं? जी, कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए। जी बहुत माशाल्लाह आपका अच्छा शो है, बहुत शुक्रिया। और जबरदस्त आज जो आप मिठाइयाँ बना रहे हैं, और मेरी फेवरेट दोनों मलाई खाजा और बालूशाही। क्या बात है, क्या दोनों चीजें भी मैं बनाती हूँ और माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बनती हैं। चलें, जबरदस्त हो गया। जी, जिस तरीके से आप बना रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज आपको देख के और अच्छा लग रहा है मुझे कि आज आप भी बना रहे हैं मिठाइयाँ, और आप कह रहे हैं मैं बेकिंग भी करूँगा। इंशाल्लाह, ये दोनों चीजें मेरी फेवरेट हैं कि बेकिंग और ये मिठाइयाँ बनाना। इंशाल्लाह, अब हमने जो है ना प्रॉपर तरीके से मेन्यू में डाल दी है अपनी दोनों चीजें ना, बेकिंग भी कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे, बंस बनाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के बंस होंगे, वो बंस जो आप रेस्टोरेंट में बर्गर शॉप पे जाके खाते हैं वो वाले बंस होंगे। और अच्छा, आज का सवाल भी हमारा, उसका भी आप जवाब दे दें। जी बताइए। जेलेटिन जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो चीजों को सेटल डाउन करने के लिए, उसको जमाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, हम शामिल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच इरफान भाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें बालूशाही हमारी फ्राई हो रही हैं बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, फ्लेम और हल्का कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैदा भी हो गया, और स्केल यहाँ से हटा देते हैं। अब पानी डालेंगे और इसको हमने गूंद लेना है।
अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो फूड कलर भी आएंगे, ग्रीन और रेड। ये अब जब आटा गुन जाएगा तो इसी के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा निकालेंगे, एक में ग्रीन कलर मिलाएंगे, एक में रेड मिलाएंगे, और फिर जो अगला प्रोसेस है वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना, इसको हम वैसे ही गूंदेंगे जैसे हम डो गूंदते हैं, बस थोड़ा सा इसको टाइट रखना है। मिक्स हो जाए तो हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको अच्छा जी ये देखें, यहाँ पे अभी हमारा बालूशाही फूलने भी लगी है। फ्लेम आपने ये रखना है और टाइम देख के आपने इसको जो है फ्राई करना है। अच्छा जी आज का हमारा सवाल है कि जेलेटिन, जैसे कि अभी बात हो रही थी ई नंबर्स की, उसमें से एक इंग्रेडिएंट जेलेटिन भी था, तो जेलेटिन जो है वो उसका इस्तेमाल आपने बताना है, जेलेटिन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। और आज का जो हमारा इनाम है सही जवाब देने पर एनएक्स या डिलक्स स्टीम आयरन है आज। आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पर, और आप जो है जनाब कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें ज़रूरत है पानी की, पानी यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखें बालूशाही जितनी धीमी आंच के ऊपर आप फ्राई करेंगे जितनी देर, तो अंदर से उतनी अच्छी कुक होगी। अगर तेज़ आंच पे इसको बना लेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, अगर अंदर से कच्ची रह गई तो खाने में जो है बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लाहौर से कॉलर हैं मुनज़्ज़ा। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? बात कर रही लाहौर से, मेरी सेकंड टाइम बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपसे बात होती है। चलें बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैंने सर कहा था ना कि मेरी बर्थडे है आज। हाँ हैप्पी बर्थडे सर। आपने मुझे गिफ्ट नहीं भेजा सर, वैसे मेरी आयु खराब हुई हुई है, मुझे उम्मीद है कि एक जवाब मुझे जरूर देंगे। सर आपका सवाल का जवाब देती हूँ। जी जी सर, ये जो जेलेटिन हम आइसक्रीम वगैरह मोमन बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है, और बहुत से खानों में इस्तेमाल होती है, जमाने के काम आती है ये। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? सर बस मुझे ये कि आइसक्रीम बनाना मेरा मशीन में जो मशीन मेरे पास है, लेकिन मुझे इसका तरीका नहीं आता। मेरे पास वो वाली मशीन है जो फ्रिज में रखते हैं 24 घंटों के लिए ठंडा करने के लिए। अच्छा आप ग्राइंडर में हम बनाना सिखा देंगे, ब्लेंडर के अंदर डाल के आइसक्रीम, ब्लेंडर में कैसे बनेगी घर में इंशाल्लाह उसमें बनाना सिखाएंगे आपको। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी यहाँ पे हमारा जो आटा है वो गूंद रहा है, थोड़ा सा सही से इसको गूंदना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं आटा गूंदता हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। मलाई खाजा, अज्जा, मैदा 500 ग्राम, पानी 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, तेल 25 ग्राम, घी 100 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 15 ग्राम, हरा रंग चंद कतरे, लाल रंग चंद कतरे, खोया हस्बे ज़रूरत, शीरे के लिए चीनी 500 ग्राम, पानी 150 ग्राम। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बालूशाही हमारी फ्राई हो रही है, खाजे का हमने आटा गूंद लिया है। अब आटा गूंद गया, अब इसका एक और प्रोसेस है, हमने घी लेना है 100 ग्राम और इसको करेंगे गरम और फिर करेंगे ठंडा। ये 100 ग्राम घी आ गया, इसको भी हमने मेल्ट करना है, मेल्ट हो जाएगा फिर इसको करेंगे ठंडा। ये देखें बालूशाही जो है बिल्कुल हल्के 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 फ्राई हो रही है। मिसेस शाहिद हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। ओ लाइन ड्रॉप हो गई,
अच्छा जी, अब इसको जो है हमने किसी चीज़ में निकाल लेना है, ऐसी गहरी चीज़ में। और साथ ही साथ जो है शीरा भी चढ़ा देते हैं। शीरे के लिए हमको चाहिए आधा किलो चीनी, शीरा एक ही जगह बन जाएगा। अच्छा, घी मेल्ट हो गया, अब इसको हमने चूल्हे को किया बंद। एक पाव चीनी और टोटल आधा किलो चीनी लेनी है और तकरीबन 150 से 200 ग्राम इसमें पानी डालना है। और चाहें तो आप आधा पानी भी कर सकते हैं, जितनी चीनी है उससे आधा आप पानी ले लें। अगर आधा किलो चीनी है तो एक पाव पानी ले लें, उससे भी आपका शीरा बन जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया, इसमें पानी शामिल करते हैं। शीरा भी यहाँ चढ़ा देते हैं साथ साथ। अच्छा, आज का हमारा सवाल है कि जेलेटिन जो है, जेलेटिन का इस्तेमाल क्या है, किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसको हमने डाला प्लेट में घी को और 2 मिनट के लिए इसको रख देते हैं फ्रिज में। कराची से कॉलर है फरही, फरही माँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम। मेरी आपकी से मसाला चैनल पे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। बहुत अच्छी टीम है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आज आप रेसिपी भी बहुत अच्छी मीठा बना रहे हैं दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इरफान भाई, मुझे एक बात मीठे के हवाले से, मिठाई से करनी थी, मेरा एक कंफ्यूजन थी, प्लीज आप दूर कर दें। जी जी। ये जो लिक्विड होता है ग्लूकोज लिक्विड, जी जी, इसके बारे में बताएं कि हम जब लेने जाएं तो किस तरह लें। अगर एक पाव लेंगे तो कितने का होगा, ग्राम में आएगा, क्या होगा, मुझे मीठा बनाना है। हाँ, ये केजी में आता है, सस्ता होता है, 150-200 रुपए किलो होता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत अच्छी मसाला की टीम है। और आपके सवाल का जवाब दूं? जी जी बिल्कुल दीजिए। ये जमाने के लिए काम आता है, सेटिंग के लिए मीठा वगैरह ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, हमने शामिल भी कर लिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये जो है ना लिक्विड ग्लूकोज, ये काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है, फज बनती है उसमें भी इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारी मिठाइयों में, ख़ासतौर पर शीरा बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, कहते हैं ना कि शुगर फ्री मिठाई या डाइट मिठाई, तो सॉरी टू से शुगर फ्री मिठाई 100% कोई नहीं होती है और डाइट मिठाई भी 100% कोई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो है शुगर का इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि मिठाइयाँ सारी होती घी में फ्राई हैं, तो फिर डाइट कैसे हो गई। तो अमूमन जो डाइट शीरा बनाने में लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज, वो भी मीठा ही होता है, तो लिहाजा शुगर फ्री मिठाई कोई नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये देखें, बड़ी आहिस्तगी के साथ, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाए ना आपने निकालनी नहीं है। और ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं इस टाइम पे, सॉफ्ट, तो अगर एक साइड कलर आ गया तो आहिस्तगी से पलट लीजिए इनको। और फ्लेम आपने इतना ही रखना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने खाजे का आटा गूंदा था, हटाते हैं इधर, और हमें 2 कलर मिला दिए आटे में, ग्रीन और रेड, वो ज़रा मुझे ला के दे दें। तो ये सामान यहाँ से हटाते हैं। अब जो मरला है इसका, इसको हमने गूंदना है। ये देखेंगे, ये 2 कलर हमने इसी आटे में से निकाल के बना लिए हैं,
अब हमने करना क्या है, जो इधर हमने घी रखा था थोड़ा सा जमाना है घी को, घी थोड़ा सा जम जाता है ना, तो फिर हमने इसको लगाना है आटे के ऊपर। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक पे आते हैं, थोड़ी सफाई कर लेते हैं, अब तक हमारा घी भी सेट हो जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे बनेगा मलाई खाजा, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी बालूशाही मुस्तकिल फ्राई हो रही है और मलाई खाजे का जो आटा हमने गूंद के यहाँ पे बेल लिया है ये वाइट, और यहाँ पे हमारे पास रेड है, रेड को भी हम इस तरीके से बेल लेना है लंबाई में। आज का हमारा सवाल है कि जेलेटिन जो है उसका इस्तेमाल आपने बताना है कि जेलेटिन का इस्तेमाल क्या होता है, और सही जवाब पे आपको मिलेगी एनएक्स की स्टीम आयरन। ग्रीन कलर आप चाहें तो इससे थोड़ा डार्क वाले भी ले सकते हैं। ये लें जी, ये बिल गया है और ये भी हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो घी रखा था ये घी इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बॉल में डाल देते हैं। इसको ऐसे चलाएंगे थोड़ा सा इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। शीरा हमारा तैयार हो गया, यहाँ पे चूल्हा कर देंगे बंद। ये थोड़ा सा और जमना चाहिए, इसका बिल्कुल टेक्सचर ऐसा हो जाएगा जैसे कि मक्खन का होता है। बहरहाल अभी टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो इसको हम लगा देते हैं ऐसे ही। हाथ की मदद से लेंगे, थोड़ा मजीद जमेगा। अब आपने एक पट्टी लगानी है यहाँ पर ऐसे, इस पे भी लगाना है और ये पट्टी लगानी है ऐसे, इस पे भी लगा दिया। पहले वाइट, रेड, फिर ग्रीन। ये देखें बालूशाही का कलर बड़ा परफेक्ट आ गया है, अच्छा सा। अब आपने इसको इस तरीके से जो है रोल करना है, टाइट करके, बिल्कुल टाइट करके इसको। तरीके से अब छुरी की मदद से आपने इसको
काटना है ऐसे। साइज अपने हिसाब के आप रख सकते हैं। ये देखें, ये आ गया। अब इसको हमने काटना है सेंटर से, इस तरीके से। ये अब करना है इसको ऐसे है, ऐसे खींच के थोड़ा सा इसको ले जाएंगे नीचे इस तरह, और इस तरीके से आपने इसको रख देना है इस तरह करके, इसको इस तरीके से। साथ ही साथ बालूशाही जो है हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। देखें, आपको पता चलेगा ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। जब तक ये फुल क्रिस्पी नहीं हो जाए आपने इसको निकालना नहीं है। और देखें, परफेक्ट कलर आ गया, और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको आराम से। सारी आहिस्ता आहिस्ता घुमा दें। शीरा हमारा तैयार है, बस शीरे में डालेंगे, 2 से 3 मिनट शीरे में छोड़ना है, शीरा अच्छे से पी जाएगी, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। बड़ी खस्ता ज़बरदस्त वाली ये बन गई है। अच्छा जी, एक आपको मैं बनाना बता दूं, कैसे बनाएंगे इसको। इस तरीके से आपने इसको फैला लेना है। खोया हमारे पास, अच्छा जो नीचे वाला हिस्सा है ये कलर वाला, ये आपने ऐसे हाथ पे रखना है, बेस आपका ये वाइट रहेगा, ठीक है। फिर आपने ये खोए का एक पेड़ा उठाया, इधर लगाया, और ये कलर वाली साइड अगेन इसके ऊपर आ गई। इस तरीके से आपने इसको बंद किया, और फिर यहाँ पे इस तरीके से आपने हाथ की मदद से आपने इसको फोल्ड करते जाना। कॉलर है उमेरा आरिफ वाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? आपका शो मुझे बहुत पसंद है, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपके खाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं काफी चीजें यहाँ पे ट्राई कर चुकी हूँ। जबरदस्त। एक तो रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी बताइए। एक तो मुझे मुल्तान का सोन हलवा बनाना सिखाए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है कि मैं पिज्जा भाई बनाती हूँ घर में, पिज्जा बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन जब उसकी कटिंग करती हूँ ना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कटिंग करती हूँ ना पिज्जे की। जी 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 जी। तो उसमें ना हल्का सा पानी निकलता है, वो नमी उसकी पिज्जा सॉस की, वो क्यों आती है? आप मेरा ये सवाल है। पिज्जा सॉस को थोड़ा सा पका लें। कोई भी मीठे को सेट करने के लिए जेलेटिन यूज किया जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। जी जी। ये जो हम केक के ऊपर फ्लावर बना के लगाते हैं, उसमें वो जो कलर डालते हैं एडिबल कलर, वो लाहौर से किस जगह से मिलेंगे? लाहौर का तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, लेकिन क्योंकि भाई मैं आरीवाला में रहती हूँ, तो आरीवाला में तो ये चीजें मिलती नहीं है। अच्छा। तो मैं लाहौर से मंगवा सकती हूँ, तो प्लीज अगर आप बता सके लाहौर में किस जगह। चले, हमारी टीम जो आपको रब्ता करके बता देगी। वैसे लाहौर में किसी भी अच्छी बड़ी मार्केट से मिल जाएंगे कलर? नहीं भाई, वो नहीं, वहाँ पे नहीं ना मिलते, अलपता भी मैंने पता किया, वहाँ से भी नहीं मिले। अच्छा, चले मैं कॉन्टेक्ट, कहाँ से? शहाला मार्केट से मिल जाएंगे आपको, पक्की रिपोर्ट आ गई हमारी, शहाला मार्केट। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। ये बालूशाही हमारी यहाँ पे बन गई है, बस थोड़ा सा इनका घी निकल जाए तो फिर हमने इसको शीरे में डालनी है, 2 से 3 मिनट में जो ये रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देखें, ये मलाई खाजा एक हमने शेप दे लिया। अच्छा, ये हिस्सा है ना, इसको आपने ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि ये परत है, इसको ज़्यादा दबाएंगे तो शेप आपका जो है इसका आउट हो जाएगा। एक और बनाते हैं,
ये बनाया है, यहाँ पे रखा, बीच में आपने खोया। फिलिंग अपने हिसाब से जो आप करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। और ये दूसरा जो पीस है ये ऊपर आएगा इसके ऐसे, फिर आपने इसको यहाँ से इस तरीके से करके फोल्ड करते जाना है। यहाँ से नीचे वाली उंगली से थोड़ा सा खींचेंगे और साथ ही साथ इसको हम फ्राई भी करते जाते हैं। घी डाल देते हैं इसमें सारा, बल्कि नहीं ठंडा हो जाएगा ये भी बिल्कुल धीमी आंच पे, देखें इतनी धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है। अच्छा जी, ये दो मैंने बना दिए, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बाकी मैं कोशिश ये ब्रेक में बना के डाल दूँ तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। शक्कर पारे, अज्जा, मैदा 250 ग्राम, घी 75 ग्राम, पानी 50 ग्राम, सोडा 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, दही 20 ग्राम, खाने का रंग चंद खतरे, शीरे के लिए पानी 150 ग्राम, चीनी 500 ग्राम। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बालू शाही हमारी तैयार हो गई हैं और खाजा जो है ये थोड़ा हमारा फ्राई हो रहा है। मिठाइयाँ थोड़ी सी टाइम टेकिंग तो होती हैं और एक बड़ा चैलेंज होता है कि टाइमली ये बन जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। यहाँ पे ये भी बिल्कुल, इसकी जो टाइमिंग है थोड़ी सी बालूशाही से कम होगी, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है। बस एक और बना लेते हैं, उसके बाद जो है शक्कर पारे उनको कटिंग कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है, जेलेटिन जो है उसका इस्तेमाल क्या होता है, किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनिक्स का स्टीम आयरन। आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू जवाब दे सकते हैं 8881 पर SMS करके। अच्छा जी, ये अब हम इधर देखें, बस आँच स्लो ही रखनी है ताकि हल्के से अंदर से प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। मेरे ख्याल से चार काफ़ी हैं। शक्कर पारे का सेम डो वही है जो हमारा बालूशाही का है। इसको हमने बेल लेना है, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, 2-4 मिनट रह देते हैं, थोड़ा सेट हो जाए फिर इसको बेलेंगे। आज हमने बात की थी ई नंबर्स की, ई नंबर्स क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ई नंबर जो हैं वो क्या होते हैं। और जो हमने बताए हराम ई नंबर्स, बहुत केयरफुली आपने जो है इसका ख्याल रखना है। कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त आपने नंबर लाजमी देखना है कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये नंबर है तो नहीं, अगर है तो वो चीज़ आप ना ख़रीदें बिल्कुल। और ये इंशाल्लाह हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी पूरी लिस्ट जो शेयर कर दी जाएगी। अच्छा जी, एक दफ़ा और हम बता दें, ये देखें ये परत जो है ना, ये परत इसको आपने दबाना नहीं है बिल्कुल। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बनाना, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बन जाएगी। इसकी जो फोल्डिंग है ना, ये देखिए,
या आपने इसको पहले फैला देना ऐसे, फिर ये कौन सा कैमरा दिखाएगा, ये इसकी मदद से ना हाथ से नीचे वाली उंगली को आपने खींचना है और ऊपर से अंगूठे से इसको फोल्ड कर देना है। और जितना गैप कम रखेंगे ना उतना ज़्यादा इसकी ब्यूटी आएगी। चलें ये बाकी चीज़ें हटाते हैं यहाँ से। थोड़ा सा टाइट हो रहा है ये, थोड़ा सा घी लगा के इसको हल्का सा, और नमक पारे तो आप लोगों ने खाए होंगे, नमकीन बिल्कुल उसी तरीके से ये जो है शकर पारे बनते हैं। इनकी शेप बड़ी कैजुअल सी होती है, नमक पारों की तरह नहीं होगी, आप अपने स्क्वायर स्क्वायर इस तरीके से करके ये भी बड़ी धीमी आंच के ऊपर फ्राई होंगे, बस खाजा हमारा हो जाता है तो इसके बाद ये फ्राई करेंगे। अच्छा जितना आप इसको रेस्ट देंगे ना आटे को, और जितना टाइम आप देंगे इसको 10-10 मिनट का 15 मिनट का सेट होने में हर स्टेप के बाद, तो उतना जो है ये क्रिस्पी बनेगा। इसके जो हम फ्लेक्स बताना चाह रहे हैं आपको, ये प्रॉपर तरीके से एक एक परत जो है इसकी अलग हो जाएगी। अच्छा जी ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में हम कोशिश करेंगे शकर पारे फ्राई कर लें, और खाजे हमारे हो गए हैं, बस 1-2 मिनट फ्राई करके इसको हम डाल देंगे शीरे में। तो ब्रेक का टाइम हो गया, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी बालू शाही तैयार हो गई है और मलाई खाजा भी है जो है तैयार हो चुका है, सिर्फ शक्कर पारों का इंतज़ार है। एक खाजा शीरे के अंदर है, शीरे में तकरीबन 7-8 मिनट का आपने टाइम देना है, और उसके बाद आपने इसको निकालना है ताकि अच्छे तरीके से जो है शीरा अंदर तक चला जाए। ये देंगे, जितना टाइम देंगे उतने अच्छे इसके फ्लेक्स जो है वो खुलेंगे। शक्कर पारे भी हमारे तकरीबन फ्राई हो गए, बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए। चूँकि टाइम की थोड़ी कमी होती है तो थोड़े हाई फ्लेम के ऊपर मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप जब भी बनाएं तो लो फ्लेम पे बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता कलर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिस्पी हो जाएंगे। चलें, रिक्वायर्ड कलर हमारा आ गया है, ये जाएंगे शीरे में। अच्छा कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, शीरे के अंदर शीरा थोड़ा सा गाढ़ा करके, पहले तो शीरे में डिप हो गया, फिर शीरे से निकाल के तीन से चार मिनट शीरे में पड़े रहते हैं, शीरे अच्छा सा इसके अंदर आ जाए, तो फिर शीरे से निकाल के शीरे को थोड़ा सा गाढ़ा करके इसके ऊपर डाल दिया जाता है। ये लें, काम खत्म। तीनों रेसिपीज हमारी तैयार हैं, ये लीजिए।
आज का हमारा सवाल था कि जेलेटिन जो है उसका इस्तेमाल क्या होता है। तो जेलेटिन मुख्तलिफ प्रोडक्ट में, डिज़र्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को जमाने के लिए, चीज़ों को थिक करने के लिए। ये तीनों रेसिपीज जो हमारी तैयार हो गई हैं, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपीज जो हैं कैसी लगी हैं। और इसके साथ ही साथ आज के हमारे विनर हैं, सॉरी, कवल कराची से। कवल कराची से बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीती है एनएक्स की स्टीम आयरन। और इसके साथ ही साथ एक दफ़ा आपको फिर बताता जाऊँ, ये जो आज हमने जिक्र किया है अवेयरनेस सेशन था हमारा हराम ई नंबर्स के हवाले से, ये आप लोगों ने बहुत केयरफुल होकर देखना है कि बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर ये नंबर होते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करनी है जिनके ऊपर ये नंबर हो। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, कल हमारी बेकिंग है तो देखना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।